जिसने अभी ज्वाइन किया है और उसका रनिंग टाइम कितना है, 9 मिनट आया है, तो अगले वीक फर्स्ट वीक में जब टेस्ट होगा ना तो उसका रनिंग टाइम आएगा 7 मिनट और 30 सेकंड। आपका कितना आया था? 6:28 आया है। एक वीक के अंदर 6:28 रनिंग टाइम लेके आ गए। आपका? मेरा पहले 9:30 आया था, फिर अब 7:30 आया। 7:30 आया है, जो कि मैं इसमें बोल रहा हूँ ना, जो मैं चार्ट बना के लाया हूँ, टाइमिंग इससे अभी पूछ रहा हूँ मैं ना। 9:38 और इस बार 7:14 आपका? फर्स्ट वीक में मेरा 9 टाइम था और सेकंड वीक में 7:40 था। अब इनका जो नेक्स्ट वीक होगा, दोबारा जो टेस्ट होगा, उसमें जो 7:40 और 7:30 बता रहा है ना, उन्होंने रनिंग टाइम है 7 मिनट, ठीक है, दो वीक। और उससे नेक्स्ट थर्ड वीक के अंदर 6:45, फोर्थ वीक के अंदर 6:30 और फिफ्थ वीक में 6:15, ये इम्प्रूवमेंट रहेगा। इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप कर ही नहीं सकते। इस बंदे ने किया है, तो ये एक बंदा, एक स्टूडेंट और था जो आप आए थे शायद, है ना, आपका अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ था, तो ये स्टूडेंट फिर भी जल्दी निकाल लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा रेशो रहेगा ना वो 6:15 तक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं गर्ल्स की बात करूँ, वीक आ रहे हो और 9:30 में रनिंग कर रहे हो ना, तो अगले वीक में आपकी 9 मिनट में रनिंग हो जाएगी। अब मैंने 5 वीक गिनाए आपको, तो कितने दिन हुआ? 35, तो 35 डेज आपको कम से कम चाहिए, जिसका रनिंग टाइम कितना आ रहा हो? 9 मिनट आ रहा हो। पहले दिन 9 मिनट टाइम आ रहा है ना, वो आराम से 35 दिन में अपना फिजिकल निकाल सकता है, ठीक है। और जिनका रनिंग टाइम 8 मिनट आ रहा है, वो 35 दिन के अंदर 6 मिनट में रनिंग ला सकता है। 8 मिनट वाला अगले वीक 7 मिनट में आएगा, उससे अगले वीक आएगा 6:45 में, उससे अगले वीक 6:30 में, उससे अगले वीक 6:15 में, और लास्ट वीक में 6 मिनट के अंदर। और उससे बीच में अगर आपकी इंजरी होती है तो आपका एक वीक माइनस हो जाता है। अगर एक वीक से टाइम ऊपर लोगे तो आपकी रनिंग टूटेगी, और अगर एक वीक के अंदर आपकी इंजरी रिकवर हो जाती है तो आपका टाइम वही आएगा जो लास्ट वीक था, ठीक है। तो आपको कम से कम इस फिजिकल में 1 महीना और 10 दिन चाहिए।